तेरा पंथ के उज्जवल नक्षत्र हर मिट्टी मंगल कलश नहीं बन सकती, पर गुरुदेव श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आपकी आत्मनिष्ठा, आचार निष्ठा, संघ निष्ठा और विनम्रता का अंकन कर आपको संघ के मंगल कलश के रूप में स्थापित किया। आप युगों युगों तक संघ का योग स्वयं करें एवं मानवता के मंगल भविष्य बनें, यही चतुर्विध धर्म संघ की अभिलाषा है। समग्र धर्म संघ समर्पित भाव से आपके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संकल्पित है। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। और इस अवसर पर हमारा चतुर्थ अभ्युत्थान मानयुत मुनिवर भेंट करे अभिनंदन पत्र, बने चिरायुष्मान हमारे संघ शिरोमणि शासन सत्र। मुनि श्री किशन लाल जी, मुनि श्री महेंद्र कुमार जी और मुनि धनंजय कुमार जी आचार्य वर को अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं। बंधु और बहनों, तेरा पंथ धर्म संघ और चतुर्विध धर्म संघ की ओर से प्रथम अभिनंदन पत्र आचार्य महाश्रमण के कर कमलों में अर्पित किया गया। अब जो जाने वाले हैं उन लोगों को एक बात मैं कह देना चाहता हूं, वे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के साथ एक अति महत्वपूर्ण पंचम चरण, और वह पंचम चरण है आचार्य 11वें पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण का धर्म संघ के और मानव जाति के नाम संदेश। वह संदेश में क्या कहना चाहेंगे, जो जाने वाला यहां से यदि भूल करेगा तो निश्चित रूप से वह जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं इस भाव और भाषा के साथ कहना चाहता हूं कि जाने वाले अपने कदम अपने स्थान पर वहीं पर व्यवस्थित होकर के खाने के लिए आपकी व्यवस्था हो सकती है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन ऐसा अवसर आपके जीवन का एक अप्रतिम इतिहास बन करके और आपकी थाती बन करके आएगा। इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि हलचल न करें और अपने स्थान पर यथावत व्यवस्थित, क्योंकि 11वें आचार्य महाश्रमण का धर्म संघ का प्रथम संबोध आज के इस अवसर पर विशाल जनमेदनी को ही नहीं पूरे विश्व मानव जाति को नया प्रबोध संबोध और संदेश देने वाला होगा। इसी क्रम के अनुसार एक क्रम और बाकी, हमारी केंद्रीय संस्थाएं आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ युग और आचार्य महाश्रमण के नेतृत्व में जिनका पूरा योग रहा है उनकी ओर से भी आपका संकल्प होगा। उस संकल्प का पठन केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारियों को संकल्प प्रदान करने के लिए समुपस्थित विकास परिषद के संयोजक श्री लालचंद जी सिंह ही वह सुनना है जिस सुनने के लिए आप हजारों किलोमीटर आए हैं। केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री महोदयों से निवेदन, कृपया थोड़ा सा आगे आ जाएं और खड़े हो जाएं। नाउ यू कैन कम ए लिटिल अहेड ऑल्सो। सिर्फ अध्यक्ष और मंत्री, केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री, सिर्फ केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री प्लीज। मेरा अनुरोध, केंद्रीय संस्थाओं के पंक्तिबद्ध व्यवस्थित, थोड़ा सा पीछे व्यवस्थित लाइन से ऐसे सीधे। केंद्रीय संस्थाओं में जय तुलसी फाउंडेशन, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जैन स्वतंत्र तेरापंथी महासभा, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, अखिल भारतीय तेरापंथी उप परिषद, अनुबद्ध महासमिति, अखिल भारतीय अनुबद्ध न्यास, अनुबद्ध विश्व भारती, पारमार्थी शिक्षण संस्था, आदर्श साहित्य संघ, अमृतवाणी, आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान और त्रिक्षा विश्व भारती, उनके अध्यक्ष और मंत्री। बनते आप हम सब के केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री आवृत्ति कर सकते हैं, आप हम सब के
आध्यात्मिक अनुशासता हैं। पदाभिषेक के पावन अवसर पर हम संकल्प करते हैं कि तेरा पंथ संघ एवं संघपति के गौरव को बहुमान देते हुए आपके हर आदेश निर्देश का आत्म साक्षी से पालन करेंगे। केंद्रीय संस्थाओं की तरफ से एक अभिनंदन पत्र आचार्य वर्ग को सभी केंद्रीय संस्थाओं की तरफ से हम समर्पित कर रहे हैं। तेरा पंथ के विकासशील धर्म संघ की केंद्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री, जिनका समग्र नीचे से कर लीजिए, आप वंदना कर लीजिए, ये आपकी ओर से तेरा पंथ विकास परिषद जो केंद्रीय है, हाँ, और अब आप पर हम सुनना चाहेंगे तेरा पंथ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रवण का धर्म संघ के नाम संदेश, मानव जाति के नाम संदेश और अंतरिम भावनाओं को तुलसी और महाप्रज्ञ युग के उन संभावनाओं को जो आप अपने आप में समेटकर कोई नया संदेश प्रदान करना चाहते हैं, सभी भाई बहन इस अवसर की प्रतीक्षा के साथ व प्रतीक्षा हमारी घड़ी के मिनटों के अनुसार लगभग संपन्न हो चुकी है। मैं निवेदन करूं अब अधिकारीगण ऊपर, अब ऊपर नहीं बैठे, व्यवस्था को बनाए रखिए, एक मिनट में खुद की जाए। अब ऊपर प्रतिबंधित है व्यवस्थाओं के अनुसार, केंद्रीय अधिकारी सामने बैठ करके अपने, हाँ हिंग हिंग, अनेक संस्थाओं के इस अवसर पर, हालांकि हमारे कार्यक्रम के शेड्यूल में नहीं था, फिर भी केंद्रीय संस्थाएं जो धर्म संघ के विकास में अपना योगदान देती हैं, उनका भी अपना एक, अब नीचे बस एक मिनट के, अब नीचे जो भी कुछ है, अब हमें सुनना है आचार्य महाश्रवण का वह संदेश, जो संदेश मानव जाति के उत्थान और धर्म संघ के विकास में योगभूत बनेगा। बस मोहन जी,